नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला जो माँ भी है और एक पत्नी भी है, लेकिन उसने अपने 5 बच्चों के कत्ल कर दिए। क्यों किए, इसके वजह आपको बताएंगे, कैसे किया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वो 5 मासूम बच्चे जिनकी तस्वीरें मैंने देखी, लेकिन इसमें तस्वीरें मैंने डालना सही नहीं समझा, क्योंकि वो 5 छोटे छोटे बच्चे, उनकी शक्ल देखकर ही ये लग रहा था कि आखिर कोई माँ इन 5 बच्चों को, इतने मासूम छोटे बच्चों को कैसे मार सकती है। अगर इसके पीछे कोई वजह भी थी, तब भी एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। उसमें 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, महीने भर की बच्ची भी थी, जिन सबको उसने मार डाला। तो पहले बात करते हैं माफिया क्वीन एंड्रिया की, जो अपने घर में सबसे छोटी थी, 5 बच्चों में सबसे छोटी थी। उसने स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में उसने नर्सिंग की, उसके बाद अपने स्कूल में भी वो कैप्टन रही, यानी कि स्कूल तक, कॉलेज तक वो हमेशा टॉप मर रही। एंड्रिया ने नर्स के तौर पर काम भी किया। इसके बाद एक शख्स से एंड्रिया की मुलाकात होती है, दोनों लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन जिस दिन शादी होती है, दोनों ने कसम खाई कि दोनों मिलकर छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों को जन्म देंगे और कई सारे बच्चे करेंगे। आमतौर पर कई कपल्स का कुछ सपना होता है, इनका सपना ये था कि वो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देंगे। यानी कि इससे ये साफ पता चलता है कि एंड्रिया और उसके पति को बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, जिसकी वजह से वो बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहते थे। तो पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, लेकिन जब चौथा बच्चा हो जाता है, उसके बाद एंड्रिया डिप्रेशन में आ जाती है। यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड्रिया फेस करने लगती है, उसे एंजाइटी होने लगती है, उसे ये नहीं पता कि वो क्या कर रही है। कई सारी चीज़ें एंड्रिया फेस करने लगती है जब उसका चौथा बेटा पैदा होता है। उसके बाद एंड्रिया के पति ने बताया कि एंड्रिया बहुत अजीब तरह की हरकतें करने लगी, उसकी बॉडी कांपने लगती है, वो अपनी उंगलियां चबाने लगती है। यानी कि कोई भी देखकर ये साफ कह सकता है कि एंड्रिया को कुछ दिक्कत है। इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एंड्रिया ने खुद को मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसके पति ने उसको डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि एंड्रिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है। उसके बाद उसकी मेडिकेशंस चलाई गई। हॉस्पिटल से आ जाने के बाद एंड्रिया ने अपने गले पर चाकू रखा और उसने अपने पति से कहा कि मुझे मर जाने दो। यानी कि वो बेसब्री से ये चाहती थी कि अब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। उसे दोबारा से फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर से बातचीत की गई और डॉक्टर ने इन कपल को कहा कि अब उन्होंने ये एक एडवाइस किया कि अब आप कोई भी बच्चा आगे ना करें, कोई भी बेबी प्लान ना करें, इससे इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है। दोनों ने बात मान ली। उससे पहले जब एंड्रिया प्रेग्नेंट थी, तो वो उनका आखिरी और 5वां बच्चा था। यानी कि गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, जिसके बाद उन्होंने कोई भी प्रेगनेंसी या कोई भी बच्चा कंसीव नहीं किया। जब ये बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि बेटी एंड्रिया की पैदा होती है, उसके बाद से ही जो मेडिकेशंस चलाई गई थी, जो डिप्रेशन को कम करने के लिए दवाइयाँ चलाई गई थी, वो एंड्रिया ने बंद कर दी अपने 5वें बच्चे के बाद। जिसके बाद एंड्रिया ने अपनी बेटी को फीड करना छोड़ दिया, यानी कि वो कुछ महीने की बेटी थी, उसको दूध पिलाना छोड़ दिया, उसे कुछ भी खिलाना छोड़ दिया। जिसके बाद इस 5वीं बच्ची को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज कराया गया, उसका इलाज कराया गया। इसके बाद डॉक्टर बदला गया, क्योंकि पहले डॉक्टर से तो कोई बात नहीं बनी, दूसरा डॉक्टर बदला गया, ट्रीट किया गया और उसके बाद फिर से एंड्रिया को दोबारा घर भेजा जाता है। इसके बाद अचानक से उसने दिन के वक्त नहाते हुए कुछ ऐसा सोचा जिसे सुनकर अब आप हैरान हो जाएंगे। एंड्रिया ने दिन में ही ऐसा नहाने का इंतज़ाम किया और अपने एक बच्चे को उस बाथ टब में, जिसमें उसने पानी भर रखा था, उस बाथ टब में डुबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा बच जाता है। उसके पति को जब पता चलता है, तो वो उसके डॉक्टर के पास लेकर जाता है उसका इलाज कराने के लिए। अगले दिन एंड्रिया का पति ऑफिस जाता है, लेकिन एंड्रिया के पति के दिमाग में ये था कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, जब एक बार वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है, तो शायद दोबारा भी कर सकती है। तो उसने अपनी माँ को घर जाने के लिए बोला कि एंड्रिया पर वो नज़र रखे, बच्चों का ख्याल रखे, और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसकी माँ को घर पे पहुँचने में 1 घंटे का गैप होता है। बस वो 1 घंटा था और एंड्रिया ने ये सोच लिया इस 1 घंटे में ही वो अपने बच्चों को मार देगी। जब वो सुबह ऑफिस, उसका पति ऑफिस जा रहा था, उस वक्त ही वो बाथ टब को पानी से भर देती है, यानी कि पूरा बाथ टब ऊपर तक पानी से भर चुका था छोटे बच्चों के लिए, जो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, कुछ महीने का बच्चा है, उसके लिए वो उतना पानी काफ़ी था। और जब उस 1 घंटे के गैप में घर पे कोई नहीं था, तो वो एक एक करके अपने बच्चों को लेकर आती है और उस बाथ टब में डुबाकर मारती है।
सोचिए, एक बच्चा जब उसमें डूब रहा था, वो दूसरे बच्चे को लेके आती है जो उससे सवाल करता है कि उसकी बहन को क्या हुआ, उसके भाई को क्या हुआ। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती है और सबको मारना शुरू कर देती है। वो पाँचों बच्चों को उस बाथटब में डुबा देती है। एंड्रिया ने खुद सारे अपने गुनाह कबूल किए हैं। जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, उसने अपने बच्चों को मारा है। उसने बताया कि जिस दिन पाँचों बच्चों को मारने का सोचा था, तभी पति के ऑफिस जाते वक्त ही उसने बाथटब को पानी से भर दिया था। यानी कि सोचा समझा प्लान था, बस इंतज़ार था कि पति उसका ऑफिस जाए और ये इस काम को अंजाम दे। कोर्ट ने एंड्रिया को उम्र कैद की सज़ा दी। इससे पहले डेथ पेनल्टी का भी सोचा था, लेकिन उम्र कैद की सज़ा उसे दी गई। एंड्रिया को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी भेजा गया। लो सिक्योरिटी वाले एरिया में उसे रखा भी गया था। एंड्रिया ने जेल में बंद होते हुए बताया कि 2 साल तक उसने यही सोचा कि वो अपने बच्चों को मारे या नहीं। यानी कि जब उसने ये कदम उठाया, उससे 2 साल पहले तक एंड्रिया ये सोच रही थी कि वो अपने बच्चों को मारे या ना मारे, या उन्हें छोड़ दे। ऐसे सवाल उसके मन में चल रहे थे। उसे ये पता था कि जैसी परवरिश वो अपने बच्चों को दे रही है, जैसा वो उन्हें सिखा रही है, उससे ये तो साबित होता है कि उसके बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये एंड्रिया के शब्द थे। यानी कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बुरा मानती है, बुरा महसूस करती है। उसे लगता है कि उसने अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखाई जो उसे सिखानी चाहिए थी, और उनका फ्यूचर वैसे भी बर्बाद होना था, इसलिए उसने उन बच्चों को मार डाला। इसके अलावा उसने जेल में आखिरी बार ये भी बताया कि उसके बच्चों पर किसी शैतान का साया था, जिसकी वजह से उसके बच्चे खुश नहीं रह पाते, या कुछ अजीब अजीब चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही थी वो उसने बताने की कोशिश की। जब उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने ये सारी चीज़ें खुद कबूल की हैं कि उसने मारा है, क्यों मारा है, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उसे ये लगता था कि उसने अपने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं की है और आगे चल के उन्हें वैसे भी कुछ करना नहीं था, उनका फ्यूचर ख़राब होना था, इस वजह से उसने उन पाँचों बच्चों को मार डाला। लेकिन इन सब चीज़ों में जो एंड्रिया का पति है, वो जो उसके मन में जो दुख था, जो पिक्चर्स इसमें दिखाई दे रही होंगी, वो उसके मन में वो इतने सवाल थे कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे, जो उसके बच्चे थे, आखिर वो एक पल में, एक झटके में पलक झपकते ही सारे बच्चे उसके उससे काफ़ी दूर चले गए। तो ये थी इस माफिया क्वीन की कहानी। टेक्सास की स्टोरी है, टेक्सास की कहानी है, जहाँ पर ये केस लंबे वक्त से चलता आ रहा था, क्योंकि ये कई चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, तो इसलिए उसे ये पता नहीं चला कि उसने कत्ल कब किया। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि उसके एक्शन से जब उसने बच्चों को डुबाया, तो उसे पूरी तरह मेंटली इल भी नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद जब जेल में वो चली गई थी, तब उसने बातचीत में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये थी माफिया क्वीन एंड्रिया की कहानी। कोई नाम आप ऐसा जानते हैं जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।